हालेलुया, सो माफ़ी चाहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जब हम लोग इस विषय को शुरू करते हैं। सो कल हम लोग पहुंचे थे लूका की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 34 वर्ष पर, जो प्रभु यीशु के पास इकट्ठे होते हैं उन पर दंड का हुक्म नहीं है। हालेलुया, तो यहाँ तक हम लोग कल पहुंच चुके थे, बल्कि प्रभु उनको अपने पंखों के नीचे रखेगा, जैसा लूका की इंजील 13 अध्याय उसकी 34 वर्ष में लिखा है। सो उनको अपने पंखों के नीचे रखेगा, और 13:34 में प्रभु ने यरूशलेम के लिए अपनी इस इच्छा को जाहिर किया था। नंबर 8 पर हम लोग पहुंचते हैं, दंड वही पाएंगे जो परों के नीचे नहीं आएंगे। तो क्लेश महाक्लेश का दंड उन लोगों के ऊपर आएगा जो प्रभु यीशु मसीह के परों के नीचे नहीं आते। यरूशलेम के साथ गिला करते हुए प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपनी इसी इच्छा को जाहिर करता है कि काश वो परों के नीचे आए होते। लेकिन फिर इस पर लोग सवाल कर देते हैं कि अगर वो परों के नीचे आ जाते तो दुनिया के लिए फिर नजात का प्रबंध कैसे होता, दूसरे लोगों तक ये नजात का पैगाम कैसे पहुंचता। सो हमारे लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि फिर क्या होता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसके लिए किसी भी काम को करना नामुमकिन है ही नहीं। उसकी डिक्शनरी में नहीं हो सकता ये शब्द है ही नहीं। इंसानों के लिए जो नहीं हो सकता वो उसके लिए हो सकता है, इसीलिए वो खुदा है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शब्दों में जो हम लोग देखते हैं गहराई उसकी यही है कि हे यरूशलम, हे यरूशलम, कितनी बार मैंने चाहा, एक बार नहीं बल्कि कितनी बार मैंने चाहा। ये शब्द खुदावंद खुदा की उस मर्जी को, उस इच्छा को पेश करते हैं कि खुदा चाहता था। हम लोगों के लिए तो टेंशन ये है कि अगर वो परों के नीचे आ जाते तो हमारा क्या बनता, लेकिन यहाँ पर प्रभु अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है कितनी बार, यानी कि एक बार नहीं, जब से दुनिया में इस कौम को खुदावन खुदा ने चुना, जब इस वंश के साथ खुदावन खुदा ने अब्राहम के जरिए वाचा बांधी, तब से लेकर खुदा ने कितनी बार चाहा, कितनी बार, उसका कोई हम लोग गिनती करें तो बहुत हो जाती है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, यानी कि खुदा की ये चाहत शुरू से थी, और जब तक प्रभु यीशु मसीह इस बात को करता है तब तक भी उसकी यही चाहत थी कि वो परों के नीचे आ जाएं। परों के नीचे आ जाएंगे तो वो सेफ हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और यीशु मसीह कहता है कि कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ना चाहा। हालेलुया। अब इन पर जो दंड आता है ना, इन पर वो दंड आने की वजह यही बनी कि परमेश्वर तो चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि ये प्रभु यीशु मसीह के पंखों के नीचे आए। वचन चाहता बताता है हमको कि प्रभु अपनी इच्छा को जाहिर करता है कि जैसे मुर्गी पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी करूं, पर तुमने ना चाहा। उनके ना चाहने की वजह है उन पर आने वाला वो दंड, जो हम लोगों ने कल सीखा था कि 70 ईस्वी में जो दंड उन पर आया, घर से बेघर हो गए, और 1878 साल तक प्रभु ने उनको उनका देश नहीं दिया। बेशक 1919 में वो लोग यरूशलेम में वापस आना शुरू तो हो गए थे, लेकिन असली आज़ादी उनको 1948 में जाकर मिली। सो अगर वो परों के नीचे आ जाते तो उन पर ये दंड ना आता। मिसाल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि नीनवा शहर के खिलाफ जब यूहन्ना ने नबूवत की, तो जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया, उसकी शरण में आ गए और उन्होंने तौबा की, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ली,
पाप के कारण दंड आना था उन पर। उन पर जो दंड आने की वजह थी वो पाप था, नीनवा का पाप जो था वो परमेश्वर के हजूर पहुंचा। पाप जब चरम सीमा पर पहुंच गया तब खुदावंद खुदा ने यूना से कहा कि जा और नीनवा शहर के खिलाफ भविष्यवाणी कर। आगे जाकर न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह इस इच्छा को भी जाहिर करता है, जैसे यहाँ पर मुर्गी की मिसाल देकर उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया, उसी तरह न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी जाहिर करता है कि नीनवा शहर के खिलाफ जो यूना को भेजा गया है, और देखो कि यहाँ यूना से भी एक बड़ा है। सो उन्होंने यूना के द्वारा परमेश्वर की बात को सुनकर, परमेश्वर के संदेश को सुनकर उन्होंने तौबा की और अपने आप को दीन कर दिया, जैसा पत्रस लिखता है कि तुम अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे करो और वो तुम्हें फिर समय सिर ऊंचा भी करता है। तो प्यारो, हम लोग देखते हैं कि यूना ने कह दिया, लेकिन जब उन्होंने घुटने टेक दिए इससे पहले के परमेश्वर ने, क्योंकि उनके लिए दिन ठहराए थे, समय ठहराया था कि इतने दिन के बाद मैं तुम लोगों को नाश करूंगा। असल में अगम ज्ञानी परमेश्वर जो सब कुछ पहले से जानने वाला है, वो अपनी इच्छा से वाकिफ था। वो सारा जो वहां पर हम लोग देखते हैं वो हमको समझाने के लिए ही था। परमेश्वर पहले से जानता था कि वो लोग ऐसा करेंगे, परमेश्वर पहले से जानता था कि मैं उनको माफ करूंगा, लेकिन वो हमारे लिए है कि कैसे लोगों को परमेश्वर माफ करता है। अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते तो उनका हशर सदूम और अमूरा की तरह ही होता। अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते तो उनका हशर जो नूह के समय में हुआ बिल्कुल वैसा ही होता, लेकिन इससे पहले कि वो दंड उन पर आए उन्होंने घुटने टेक दिए। बड़े से बड़े इंसान से लेकर आम आदमी तक जो था वो खाक में बैठ गया, जमीन पर बैठ गया, खाक अपने ऊपर डाली उन्होंने, तप्पड़ पहन लिए, यानी कि अपने आप को बिल्कुल जीरो करके परमेश्वर के सामने ले आए। और परमेश्वर ने जब उनके इस पश्चाताप को देखा और परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने मेरे वचन की कदर की है और सचमुच इन्होंने मेरे वचन को सुनकर अपने अंदर भय को लेकर आए हैं, और वचन बताता है कि परमेश्वर का डर जो है वो भलाई पैदा करता है। तो जब उनका ये सिस्टम परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने, वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपना फैसला बदल लिया और उसने नीनवा शहर पर आने वाला वो दंड, आने वाली वो सजा जो थी उसको रोक दिया। सो उसके आगे हम लोग देखते हैं कि यूना ने तो ऐतराज किया, यूना ने तो कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, और परमेश्वर ने वहाँ पर अपनी उस योजना को बदलने का जो कारण था वो भी बताया कि मैंने ये सब कुछ क्यों बदला है। सो उसी तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब अपनी इच्छा को जाहिर करता है कि मैंने तो चाहा पर तुमने ना चाहा, मैंने चाहा कि परों के नीचे इकट्ठा करूं पर तुमने ना चाहा। सो ये दोनों तरफ से होता है, अकेले परमेश्वर के चाहने पर ने हमने भी चाहना है, क्योंकि हमको एक आजाद मर्जी दी है। इसलिए यदि हम चाहेंगे तो फिर वो काम जो है वो पूरा अपना होते हुए परमेश्वर के फजल से हम लोग उसको देखते हैं। सो फाइनल बात के अगर वो आ जाते परों के नीचे तो कुछ और हो सकता था जिसे हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, इसलिए उन पर दंड आया। 70 ईस्वी में इसराइल पर आने वाली वो जो सजा थी उनके निखार के लिए नहीं, बल्कि उनके अपने मुंह से मांगे हुए उस शब्द के कारण उन पर वो दंड आया था जो उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि इसका पाप हमारे और हमारी संतान पर आए। खुद मांगा था इसलिए वो दंड उन पर आया, और जो हशर उनका हुआ वो हमने पहले पाठ जो शुरू किए थे उनमें तसल्ली के साथ देखा था कि क्या कुछ उनके साथ हुआ, कैसे कैसे वो जानवरों की नाई बेचे गए और खरीददार नहीं मिलता था। इनकी हालत जो थी खुदा ने ऐसी कर दी थी, ये इतने दुबले पतले और लाचार हो गए थे कि कोई गुलाम की तौर पर भी इनको खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो इनको खरीदना का मन बनाता था वो पहले ये सोचता था कि ये काम धंधा तो करने के काबिल है नहीं, ये तो अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो सकते बराबर, सबसे पहले तो इनको तैयार करना पड़ेगा कि ये एक गुलाम की तरह काम कर सकें।
ऐसी हालत थी और वो सारी भविष्यवाणियां पहले से हुई थी कि इनके साथ ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है क्योंकि अगम ज्ञान में परमेश्वर जानता था ये लोग परों के नीचे आएंगे नहीं। हालेलुया। आज भी हमारे सामने बिल्कुल वही कंडीशन है, आज भी प्रभु की जैसे उस वक्त यरूशलम के लिए वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, वैसे ही आज भी वो संसार पूरे के सामने अपनी उसी इच्छा को जाहिर करता है। जैसे वो चाहता था कि वो लोग उसके परों के नीचे आ जाएं, वैसे ही वो चाहता है कि अब सारे का सारा जो संसार है उसके परों के नीचे आ जाए। अगर तो संसार उसके परों के नीचे आता है, बेशक परमेश्वर ने वो समय ठहराया भी हुआ है, तो भी परमेश्वर न्यायी और धर्मी होने के कारण अगर सारा संसार आज अपनी आजाद इच्छा को मानते हुए ये फैसला कर ले, अगर ये अपने पापों को मान ले, तो उसी का इंतजाम, उसी का सिस्टम हमें समझाता है परमेश्वर उस समय को भी बदलने की कुदरत रखता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये अगम ज्ञान में ही परमेश्वर जानता है कि ये लोग ऐसा करेंगे, इसीलिए उनके बारे में फिर पहले से ही भविष्यवाणियां हैं। अगम ज्ञान में वो जानता है कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो अब दंड किन पर आएगा? जो मानेंगे नहीं, जो मानेंगे उनके बारे में लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया उसको उसने अपनी संतान होने का हक दिया, यूहन्ना की अंजील 1:12। सो जिनको संतान होने का हक मिल गया है वो परमेश्वर के घर में ऑलरेडी हैं, जिनको संतान होने का हक मिल गया वो परमेश्वर के घर में ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी बचपने की हालत में हैं, इनको बुजुर्गी की हालत तक पहुंचना है, पुत्र होने के हक को इन्होंने सिद्ध करना है, फिर इनके लिए वो सारी आशीषें और बरकतें हैं जिसका उसने वायदा किया है। तो जो पुत्र को नहीं कबूल करता वो पिता को भी कबूल नहीं करता, जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करता वो परमेश्वर को भी कबूल नहीं करता, जो यीशु मसीह को ठुकराता है वो परमेश्वर को भी ठुकराता है। यीशु मसीह में अनंत जीवन है और यीशु मसीह के बाहर अनंत मौत है। सो फैसला हमारे आगे रखा, जैसे व्यवस्था सार 28 में हम लोग पढ़ते हैं, डिट्रॉनमी उसका 28 चैप्टर में, एक तरफ खुदा ने आशीष रखी, दूसरी तरफ शराब को रखा, चुनाव उनके आगे रखा कि आप लोगों ने क्या चुनना है। जिन्होंने आशीष को चुना उनको आशीष मिली, जिन्होंने श्राप को चुना उनको श्राप मिला, कामों के लिहाज से उनके साथ वैसा वैसा फिर हो गया। आज भी हमारे सामने ये रखा हुआ, एक तरफ वो दंड का समय है जो अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए है, वो दंड का समय अधर्मियों और पापियों के लिए रखा हुआ है, दूसरी तरफ धर्मियों के लिए है, रास्तबाजों के लिए है, वो समय अलग है, इसलिए उनको ये समय दिया गया है, इससे पहले कि मैं गुनेगारों पर वो दंड का समय लेकर आऊं, तुम लोग पश्चाताप करके वापस आ जाओ, जैसा लिखा है, तौबा करो ते मुड़ो, पश्चाताप करो और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो वो सजा पापियों पर आने वाली सजा है, तो जिनके पाप मिटाए जाएंगे उनके लिए एक आगे शब्द लिखा है जो भविष्यवाणी के रूप में है। हालेलुया। सो अगर पॉसिबल हो तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं यूहन्ना, सॉरी रसूलों के कथा प्रेरितों के काम उसका 3 और उसकी 19 है, 3 उसके 19, तो वो भी एक भविष्यवाणी के तौर पर ही बात की गई है, लेकिन वो जब देखते हैं तो आम सी बात लगती है, लेकिन आज हम उसको फिर पढ़ लेते हैं वर्ष को, ताकि हमारे सामने उसका जो भेद है वो प्रकट हो जाए। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। सबसे पहले तो ये है कि मन फिराना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो मन फिरा लेते हैं लेकिन लौटते नहीं हैं, तो खाली मन फिराने से फायदा नहीं है। उदाड़ू पुत्र ने मन फिराया और लौट आया, तब बाप ने गले लगाया। सो उसी तरह आज हम लोग यदि मन फिराते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते तो बाप गले नहीं लगाएगा। इसलिए जिन्होंने मन फिराना है उनका दूसरा रूप है कि उनको लौट आना है। जो लौट आएंगे बाप उनको बाहें फैलाकर अपने आगोश में ले लेगा, और जो
लौट आएंगे और जिनको बाप अपने आगोश में लेगा उनके पाप मिटाए जाएंगे। मन फिराकर जो लौट आएंगे उनके पाप मिटाए जाएंगे, जो मन फिराकर लौटते नहीं है उनके लिए कुछ नहीं। आज मैं एक बहन को सुन रहा था, किसी ने डाला था उसका कि हम लोग ब्लेस्ड हैं, आप लोग पूरे फख्र से कहिए हम लोग ब्लेस्ड हैं, आप फख्र से कहिए हम लोग। कहने से थोड़ी ना ब्लेस्ड होने वाले हैं, कहने मात्र से ब्लेस्ड नहीं होंगे, ये तो सिर्फ अपने मन को समझाने वाली बात है। ब्लेस्ड होने के लिए ब्लेस्ड होने वाले काम करने हैं। आज दुनिया को इसी गलत फहमी में रखा जा रहा है कि हम मसीह में जो है जितने हैं हम लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं। सो प्यारो, ऐसे ब्लेस्ड नहीं, ब्लेस्ड वही है जो ब्लेस्ड होने वाले काम करेगा। सिर्फ मुंह से हौसले वाली बात करने से हम लोग ब्लेस्ड होने वाले नहीं है। तो पाप उनके मिटाए जाएंगे जो मन फिराकर लौट आएंगे। और अगली वर्ष है जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के यानी के शांति के यानी के आनंद के यानी के इत्मीनान के दिन आए। हालेलुया। यदि मन फिराकर लौट आएंगे तो खुदावंद खुदा हमारे पापों को मिटा देगा। जब खुदावंद खुदा हमारे पापों को मिटा देगा तो वो फिर उसके सम्मुख उसकी हजूरी से सुख के दिन यानी कि प्रभु यीशु मसीह आप ही आएगा और वो हमारे लिए सुख के दिनों का ऐलान है, दंड के दिनों का ऐलान नहीं। जो पश्चाताप करके लौट आएगा, जिसके पाप मिटाए जाएंगे, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए वचन में लिखा है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सो जो उस दंड से बचना चाहते हैं, जो उस क्लेश महाक्लेश के समय से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो मन फिराएं, लौट आएं, ताकि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर दे। और वो जो दंड का समय है वो पापियों पर आने वाला है। सो इसलिए मैं उन खुदा के दासों से मिन्नत करता हूं कि आप लोग कम से कम कलीसिया में जिनके पाप माफ हुए हैं और दुनिया में कुछ तो अंतर रखो, कुछ तो फर्क रखो। अगर दुल्हन की गिनती भी आप उन्हीं के साथ करते हो तो फिर आपको दुल्हन की गिनती में आने का फायदा क्या हुआ। अगर झुंड में रहकर आप अभी भी अपने आप को ये समझते हो कि हम बकरियों की नाई हैं तो भेड़ बनने का फिर क्या फायदा हुआ। भेड़ और बकरी के अंतर में तो हमें पता होना चाहिए ना, सेवक होते हुए इस बात का हमको एहसास और पता होना चाहिए कि खुदा की नज़र में भेड़ और बकरी में क्या फर्क है। सो यदि इन बातों का प्रकाशन हो तो फिर हम ऐसी अज्ञानता की बात कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कभी कभी बस एक आध बात को लेकर उसी पर एक विषय खड़ा कर देते हैं, उसी पर एक बात को बना देते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे देखते नहीं। वचन में बहुत जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बातें लिखी होती हैं, जब वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो उस बात का प्रकाशन खुलकर हमारे सामने आ जाता है। सो 70 ईस्वी में यरूशलम पर जो दंड आया वो दंड क्यों आया। अगर वो परों के नीचे आ जाते तो उन पर वो दंड आता क्या? नहीं आ सकता था। अगर वो परों के नीचे आते उन पर कभी भी वो दंड नहीं आता, लेकिन उन्होंने उस बात को कबूल नहीं किया, इसलिए उस दंड के टाइम से उनको गुजरना पड़ा। हालेलुया। उनके साथ एक वाचा बांधी हुई है, इसलिए उनका एक अंश खुदा ने बचा लिया सिर्फ वाचा के कारण। अब्राहम के साथ किए हुए वादे के कारण उनका कुछ भाग जो था वो बचा लिया। इसीलिए जब ये लोग आए ना वापस इसराइल में 1948 में, जब ये आजाद हुए तो जब ये आना शुरू हुए तो एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा था कि यहूदी इस जमीन पर नजर आ रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वह सचमुच खुदा है। यहूदियों का इस जमीन पर नजर आना, इनका जमीन पर होना, जितना इन पर इतने सालों में तशद्दद हुआ, इनका जमीन पर रहना परमेश्वर का एक मौजजे से बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर का एक मौजजा है। क्योंकि जो कुछ इनके साथ हुआ उस हिसाब से तो इस कौम को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब्राहम के साथ किए हुए वायदे को परमेश्वर ने ध्यान में रखते हुए इनमें से जितने लोगों ने अपनी गलतियों को माना और अपने वंशजों के हिसाब से इन्होंने फिर परमेश्वर की तरफ हाथ उठाया तो परमेश्वर ने वो वायदा अपना पूरा किया कि जब ये गुलामी में चले जाएं और फिर मन फिराकर
अपनी गलती को माने तो मैं इन्हें वापस इनके देश में लौटा ले आऊंगा। सो सवाल यह है कि अगर वो आ जाते तो क्या उन पर दंड आता? बिल्कुल भी नहीं आता। नंबर 10, इसके उलट एक सतावट के समय को हम मसीही लोगों पर भी आते हुए देखते हैं। एक दंड आया अन आज्ञाकारियों पर जो नाफरमान थे उन पर, इसके उलट जैसे उनके ऊपर जुल्म हुआ वैसे ही मसीही लोगों पर यानी कि कलीसिया पर भी हुआ। लेकिन उन पर दंड है, कलीसिया पर आने वाली सजा को हम दंड नहीं कह सकते। जो नीरो बादशाह के समय में हुआ, जब उसने अपने शासनकाल को संभाला 13 अक्टूबर 54 में, फर्स्ट सेंचुरी में, पहली सदी में, 13 अक्टूबर 54 को वो अपने तख्त पर एज ए बादशाह के तौर पर बैठता है और उसका वो राज्य जो है वो 9 जून 68 ईस्वी तक चलता है, यानी कि टोटल पीरियड वो राज करता है 13 साल 8 महीने तक। और ये 13 साल 8 महीने जो थे ना, इसमें अगर एक दो दिन उसके जो जश्न के हैं उनको छोड़ दिया जाए तो ये पूरा समय काल जो था ना, ये पूरे का पूरा मसीहों पर वो जुल्म हुआ जिसको अगर कोई किसी ने देखा हो तो वो सो नहीं सकता। लेकिन ये नीरो बादशाह के द्वारा उन पर होने वाला ये जुल्म जो था, ये इसलिए हुआ ताकि दुनिया को एक मैसेज मिले। ये इन पर हुआ जो जुल्म इंसानों के द्वारा, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर अपने लोगों को दुनिया में पेश करने जा रहा है। वचन की वो बात सिद्ध होती है जैसे पलूस ने कहा, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा। तो यहां पर दुनिया के लिए भी और शैतान के लिए भी परमेश्वर ने एक चैलेंज रखा था। और इसका दूसरा रूप ये था कि जितने मसीही लोग मरेंगे उतने ही ज्यादा पैदा होंगे। और दुनिया को ये संदेश देना था कि मसीहत को बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और दूसरा, अपने लोगों को निखारना था, इसलिए परमेश्वर ने वो सजा उन पर आने दी। सो दंड वालों की सजा और इनकी सजा में फर्क है। इनकी सजा को कभी भी कोई लानती सजा करके बयान नहीं करेगा। नीरो बादशाह के समय में मसीहों पर आने वाली सजा को कोई भी इंसान लानती सजा नहीं कहेगा, बल्कि ये मसीहों पर आने वाली जो सतावट थी, ये दुनिया में मसीहत को बढ़ाने का सबसे बड़ा एक कारण था। इसलिए वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। हालेलुया। सो उस समय ये सब कुछ हुआ। नंबर 12, ये वह लोग थे जो परों के नीचे आ चुके थे, तो फिर इन पर ये स्ताव क्यों आया? सवाल क्यों करेगा कि उनको तो कहा था कि तुम परों के नीचे आ जाओ, तो ये तो परों के नीचे आ चुके थे तो फिर इन पर स्ताव क्यों आया? इसका सीधा सा जवाब है कि परों के नीचे नहीं आते, उन पर दंड की रीति से है, और जो परों के नीचे आ जाते हैं उन पर आशीष की रीति से है। सो दंड और आशीष को हमें समझना है। क्लेश, महाक्लेश आने से पहले ही मैं कई बार बता चुका हूं कि कलीसिया ऑलरेडी दुख में है, ऑलरेडी कष्ट में है, और कलीसिया बहुत कष्ट सह रही है। और उस समय के आने से पहले कलीसिया ने जितना कष्ट सहना है वो सह चुकी होगी। अब कलीसिया को और कष्ट सहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने परों के नीचे आने की कीमत दे दी है। वो यूं ही परों के नीचे नहीं आए, पहले उन्होंने कीमत दी है, फिर प्रभु ने परों के नीचे लिया है। अगर वो कीमत ना देते तो परों के नीचे कभी भी नहीं आते। इस नजात के लिए, इस मुक्ति के लिए कीमत देनी पड़ेगी। तो जिन्होंने कीमत दी है उनको उसने अपने परों के नीचे लिया है। सो स्ताव के समय से पहले अगर यहूदी परों के नीचे आते तो उन पर 70 ईस्वी का स्ताव कभी भी नहीं आता। उसी तरह अब जो लोग स्ताव का समय आने से पहले परों के नीचे आ चुके होंगे, उसी तरह अब जो लोग स्ताव के समय का टाइम आने से पहले परों के नीचे आ चुके होंगे, उन पर स्ताव का समय कभी नहीं आएगा, जो समय सिर्फ दुष्टों के लिए ही रखा गया है। नंबर 16,
ये समय कलीसिया द्वारा शैतान को शर्मिंदा करना, मौत को तमाशा बनाना और संसार पर अपनी आशा को सिद्ध करने का था। जब नीरो बादशाह के समय में वो सब कुछ हुआ, जहाँ जो आज कलीसिया के साथ हो रहा है, उसके पीछे परमेश्वर का एक ही मकसद है। नंबर एक, कलीसिया द्वारा शैतान को शर्मिंदा करना है, मौत को तमाशा बनाना है, संसार पर अपनी आशा को सिद्ध करना है। तो हम पर जो भी सतावट आती है वो हमारी आशा को सिद्ध करने के लिए है, और वो हमारी आशीष के लिए है, हमारे इनाम के लिए है। दंड वाली जो सजा है वो कलीसिया पर किसी भी कीमत पर आ सकती नहीं, क्योंकि वचन में लिखा रोमियो 8 में के जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। नंबर 17, और इस समय में सिद्ध किया गया कि मसीही खून जितना बहेगा उतने ही ज्यादा मसीही लोग पैदा होंगे। सो नीरो बादशाह के जमाने में जो मसीहों का खून बह रहा है वो संदेश देता है दुनिया को कि जितना बहाओगे उतने ही ज्यादा पैदा होंगे। ये मौत को तमाशा बना चुके हैं और पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ये वो समय था जिसमें मसीही लोगों ने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर के लोग हैं। जितनों ने कबूल किया उसको उसने संतान होने का हक दिया। अब जो पैलोठे ने किया था, यानी कि यीशु मसीह ने किया था, वही सब कुछ छोटों ने भी करके सिद्ध किया अपनी धार्मिकता के लिए। हालेलुया। ये वो समय था जिसमें लोगों ने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर के लोग हैं। उन्हीं मसीही लोगों को के खून पर तैरता हुआ ये पैगाम हम तक पहुंचा है। यदि उस वक्त उनके साथ ये ना होता तो शायद आज हम तक भी ये पैगाम ना पहुंचता, शायद ये थम जाता। जितना जुल्म हुआ मसीहत पर उतनी ही मसीहत में निखार आता रहा, और ये जुल्म उन्होंने इसीलिए सहा कि उस दंड के समय से बच सके। ये दुख इसलिए सहे कि उस दंड के समय से बच सके, क्योंकि वो दंड दुष्टों के लिए है, इसलिए उसके लोग दुष्टों में ना गिने जाएं। दुष्टता से बचने के लिए उन्होंने ये सब कुछ सह लिया। इसलिए कलाम फरमाता है कि दुष्टों में से निकल आओ, जो दंड दुष्टों पर आने वाला है। कलाम हमें सावधान करता है कि यदि तुम चाहते हो कि वो दंड तुम पर ना आए, तो कलाम हमको ये हुक्म देता है कि तुम दुष्टों में से क्या करो, निकल आओ। लूत को उसी वक्त बोला गया था कि दुष्टों के नगर से निकल कर भाग जाओ। जब एकदम टाइम आ चुका था, उस वक्त लूत को बोला गया कि यहां से निकल भाग। फिर से पहुंच चुके थे, बोलते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको उसी वक्त निकाला गया। लेकिन हमें कलाम आज ही सावधान कर रहा है, लूत पर जैसे अचानक आया, हम पर वो अचानक आने वाला नहीं है। अचानक दुष्टों पर ही आएगा ये सजा, अचानक दुष्टों पर ही आएगी। इसीलिए लिखा है कि वो तो सो रहे हैं, तुम लोग तो जागते हो, इसलिए तुम पर वो दिन चोर की नाई नहीं आएगा। वो चोर की नाई दुष्टों पर आने वाला है, जिनकी बर्बादी के लिए रखा गया है। इसलिए लूत को उसी वक्त बोला गया, लेकिन हमें कलाम आज ही सावधान कर रहा है कि इनके बीच में से निकल आओ। अब जो इनके बीच में से निकल आएंगे, तो जैसे लूत निकल गया तब बर्बादी हुई, उसी तरह अब वो बर्बादी उन्हीं पर आएगी जो रह जाएंगे, जो निकल आएंगे उनमें से। यानी कि आप ये समझ लो कि अभी ये सारी दुनिया ही सदोम अमोरा है, तो बचने का एक ही रास्ता है कि सदोम अमोरा से निकलकर भागो। अब जो इस सदोम अमोरा रूपी दुनिया से निकलकर भागेंगे, पहले देखिए कहा गया, उस वक्त तो उसको उसी वक्त कहा गया, हमको पहले सावधान किया गया है। सो जो इनमें से निकलकर भाग जाएगा उन पर वो दंड कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला। सो देखते हैं वचन में से कि वचन हमको इसके बारे में क्या फरमाता है। दूसरा करंथियों का खत, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल आओ और अलग हो रहो और शुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इनमें से निकल आओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तन वर्ष चाहिए, एक मिनट जी, मैं वर्ष निकाल के आपको दे देता हूं, तो ताकि आप लोग उसको नोट कर लें। दूसरा ग्रंथियों उसका 6 अध्याय, उसकी 17 वर्ष। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब, उसकी 17 वर्ष।
इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। निकलना भी है और अलग भी रहना है। कभी कभी निकल आते हैं फिर भी अलग नहीं रहते। आज बहुत हैं ऐसे जो निकल आए हैं परंतु अलग रहते नहीं। इन्हीं को गुनगुने कहा जाता है, जो निकल आए हैं लेकिन अलग रहते नहीं। इन्हीं के लिए कहा गया है, तुम ना ठंडे हो ना गर्म, मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल दूंगा। क्यों निकालूंगा? तुम निकल तो आए परंतु अलग नहीं रहे। सुवायदा उनके लिए है जो निकल कर अलग रहेंगे। इसका मतलब जो वचन बताता है, तू ना ठंडा है ना गर्म, तेरी दोनों तस्वीरें ने। अब जो तो गर्म है उनको तो परमेश्वर ले लेगा, तो छोड़ेगा किसको फिर उस समय के लिए? सो पता नहीं कहां कहां से वर्से निकालते हैं या किस किस तरह से प्रकाशन निकालते हैं। वो वर्स भी इसी बात को सिद्ध करती है कि तू ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। अब जो मसीह में गर्म रहेगा परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। छोड़ेगा किसको भला? जो ना ठंडा है ना गर्म। अब उस पीड़ा में कौन जाएगा जो ठंडा है ना गर्म? लेकिन जो गर्म है उसको प्रभु ले लेगा। स्वाद चाहिए प्रभु को। तो हम लोग दो तरह की चीजें पसंद करते हैं ना, जैसे हम लोग करते हैं, जहां तो ठंडी चीज लेते हैं या फिर गर्म लेते हैं। लेकिन प्रभु को मसीह में गर्मी चाहिए। तो दोगली नीति वालों को पसंद नहीं करता, यानी ठंडे का तो मतलब जहां तो बिल्कुल ही छाट दे, तो जहां फिर तू गर्म हो जा। तो किसी ने बड़ी बढ़िया उदाहरण दी थी कि जो मक्खी है ना, तवे के ऊपर मक्खी ठंडे पर बैठती है, गर्म पर कभी बैठती नहीं। सो गंदगी वहीं पर वो फैलाएगी जहां पर ठंडा काम है, या गर्म है वहां पर वो फैलाएगी नहीं। सो उसी तरह खुदावन खुदा का वचन कहता है कि उनमें से निकलो। निकल तो आए लेकिन अलग नहीं हुए। इसीलिए सारा संसार वाला काम करते हैं ना, जो कुछ संसार कर रहा है, ये भी कहते हैं कि हम उनमें से निकल आए हैं, लेकिन काम फिर वही, सारे काम वही करते हैं। उनके जैसे रीति रिवाज, उनके जैसे दिन त्यौहार, उनके जैसे पूजा पाठ, उन्हीं के जैसे सारे मेले, उन्हीं के जैसे सारे त्यौहार। तो जो कुछ वो करते हैं उन्हीं के जैसा सारा रहन सहन, उन्हीं की जैसी ख्वाहिशें। तो यदि निकल ही आए हो तो फिर अलग क्यों नहीं रहे? निकले हुओं की पहचान है कि जो उनमें से निकल आए हैं वो उनमें से अलग नजर आने चाहिए। निकले हुए अगर अलग नजर नहीं आते हैं तो उसकी सीधी सीधी पहचान है कि वो अभी निकले नहीं हैं। यदि निकले होते तो फिर अलग रहते, और यदि अलग रहते तो फिर प्रगट होते। सो वचन कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। निकलकर निकलने को अगर सिद्ध करना है तो उसका सीधा सीधा एक ही निशानी है कि हम उनमें से अलग नजर आने चाहिए। यदि हम उनके जैसे ही नजर आते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी हम उनमें से निकले नहीं हैं। जब हम भी ऐसे गुनगुने मसीही थे तो हम भी वो सब कुछ किया करते थे जो आज उन लोगों को करते देखते हैं जो निकल तो आए हैं लेकिन उन्होंने अलग नहीं किया। तो अलग जो रहेंगे उनके लिए एक और शब्द आता है, और किसी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। नंबर एक निकल आओ, नंबर दो अलग रहो, नंबर तीन किसी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब अशुद्धता के विषय में एक अलग ही सब्जेक्ट फिर शुरू हो जाएगा यदि हम अशुद्ध वस्तुओं की तरफ जाएंगे। लेकिन हम इस पर सिर्फ इतना ही मनन करते हैं कि अशुद्धता जो है वो कई चीजों को दिखाती है, सिर्फ खाने पीने वाली चीजों की बात नहीं है। विषय वही चल रहा है लेकिन अशुद्धता के बारे में जब हम देखते हैं तो अशुद्ध लोगों के साथ भी संगति नहीं होनी चाहिए, अशुद्ध लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ईसाऊ को परमेश्वर ने इसीलिए ठुकराया था क्योंकि उसने अशुद्ध लोगों के साथ अपने रिलेशन को बनाया था। यकूब ने अशुद्धता से अपने आप को दूर रखा, हर किस्म की अशुद्धता से उसने अपने आप को दूर रखा। अगर हम ये काम करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा।
और फिर लिखा है वचन में, जो परमेश्वर के हाथ पर है कौन है जो उसे उसके हाथ में से छीन सकता है, और जो परमेश्वर के हाथ पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है और उन पर कोई भी दंड आ भी सकता नहीं। 18 वर्ष में फिर बताता है, और तुम्हारा पिता होऊंगा, यदि तुम ये तीन काम कर लोगे मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। सिर्फ ग्रहण नहीं करूंगा, तुम जो नौकर कहलाने के भी लायक नहीं हो, यदि तुम ये तीनों काम कर देते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ ग्रहण ही नहीं करूंगा बल्कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जो कहकर बदलता नहीं। वो सिर्फ कहता नहीं कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, वो कहता नहीं कि तुम मेरे बेटी बेटियां होंगे, बल्कि वो ये वायदा करता है। तो जिसके बेटे बेटियां हम लोग बन गए हैं, जिसके लिए हम निकल आए, जिसके लिए हमने अपने आप को अलग रखा, तो प्यारे अजीजों आप खुद फैसला करो कि अपने बेटे बेटियों को उस दंड के समय में जो दुष्टों पर आने वाला है उनके बीच अपने बेटी बेटियों को क्यों रहने देगा। मिसाल के तौर पर आप किसी वजह से अपने ही हाथों से बनाए हुए अपने घर को आग लगाने जा रहे हो, तो आग लगाने से पहले आप अपना सारा, बच्चों को परिवार की तो बात छोड़ो, आप अपना सारा जरूरी सामान पहले वहां से निकालेंगे। तो परमेश्वर का जरूरी सामान जो है ना वो हम लोग हैं, तो जितनी देर तक वो हमको निकालने ना लेता उतनी देर तक ये कष्ट, ये समय दुनिया पर किसी भी कीमत पर उतनी देर तक आएगा नहीं जितनी देर तक उसमें से उसके जो चुने हुए लोग हैं वो उनको अलग नहीं कर लेता। हालेलुया। सो 52:11 में लिखा है, यशाया नबी उसका 52 chapter उसकी 11 वर्ष में, दूर हो, दूर जोर देकर कह रहा है, दूर हो, दूर, क्यों, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। सो जिनको परमेश्वर ने अशुद्ध ठहरा दिया है चाहे वो कुछ भी हो, अकान के पाप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसने अशुद्धता की चीजों को रख लिया, उसने जो परमेश्वर ने कहा था कि ये चीजें नहीं रखनी है, सब कुछ जला दो, लेकिन उसने कुछ चीजों को रख लिया। उसी तरह हम लोग आगे चलकर देखते हैं कि जब पहला राजा बनाया गया तो शौल ने भी ऐसी कुछ चीजों को रख लिया था। सो प्यारो, जब हम इन पर गौर करते हैं तो फिर हमारे सामने आता है कि जो भी चीज परमेश्वर ने कहा रखनी है उसको रखो, जिसको नहीं रखने के लिए बोला है उसको नहीं रख सकते। इसलिए वो फैसला लेता है कि दूर हो जाओ, वहां से निकल आओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उनके बीच में से निकल आओ। ये बार बार जोर देने पर जब वचन देता है तो इसका मतलब परमेश्वर हमको कुछ समझाना चाहता है। दूसरा क्रंथियों का खत 7:1 में लिखा है, हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ। जदों ये सानू वायदे मिल गए ना कि जेडे ओदे परां दे हेठ आ गए आ वो सेफ आ, तो फिर हुण वचन सानू की कहिंदा है, हे प्यारो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करें। शरीर की तो करनी ही करनी है, आत्मा तक जो मलिनता पहुंच चुकी है उससे क्या करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि शुद्ध, प्योर, परफेक्ट, पवित्र, होली खुदा हमको लेने के लिए आ रहा है। सो जो उसके शरण में जाना चाहते हैं, जो उसके परों के नीचे आना चाहते हैं, उनके लिए ये कंडीशन है। खुदा का दास संत पुरुष लिखता है, तो आओ अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करो और परमेश्वर का भय रखते हुए हुए पवित्रता को सिद्ध करो। खाली पवित्र हो जाना काफी नहीं है, बल्कि उस पवित्रता को कायम रखना है, उस पवित्रता को सिद्ध करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले बोला कि आज मैं सुन रहा था एक बहन को, ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, तो जो कह रही है ना उसको देखकर, उसकी शक्ल देखकर भी लग रहा है कि ये ब्लेस्ड नहीं है। यदि ब्लेस्ड होती तो इसके अंदर परमेश्वर का भय होता, यदि ब्लेस्ड होती तो इसके चलने फिरने से पता चलता कि ये ब्लेस्ड है।
तो जो उसकी रूपरेखा देखी जा रही थी उसके मुताबिक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था कि वो ब्लेस्ड है। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में वो स्टेज पर चढ़कर कोई परफॉर्मेंस दे रही हो, ऐसी हालत में वो नजर आ रही थी। तो वहीं से पता लगता है जो ब्लेस्ड है ना वो हजारों लोगों में अलग नजर आते हैं। उनको अपने मुंह से कहना नहीं पड़ता कि वी आर ब्लेस्ड, बल्कि उनका जीवन का जो रहन सहन उनकी जिंदगी बता देती है कि ये ब्लेस्ड हैं कि नहीं है। उनका चाल ढाल बताता है कि ये ब्लेस्ड हैं कि नहीं है। उनकी जो जैसे संसार ख्वाहिशों के अंदर घिरा हुआ है, जिस्मानी ख्वाहिशों की, संसारी ख्वाहिशों की, उनका जीवन ही बता देता है कि ये लोग त्यागी लोग हैं, त्याग किए हुए लोग हैं। ख्वाहिशों पर जो खुदा के खिलाफ लेकर जाती हैं, उन सारी ख्वाहिशों पर ये लोग जय पाए हुए हैं और सिर्फ ये आत्मिक ख्वाहिशों की ही चाहत रखते हैं। तो उनका जीवन बता देता है। तो जो ये कहता है कि हम ब्लेस्ड इसलिए हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हम ब्लेस्ड इसलिए हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी नौकरी है, हम ब्लेस्ड इसलिए हैं कि हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है, तो उनको फिर दोबारा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन लोग हैं, तो आप ही बता दो कि इंडिया में यदि मसीह में आने पर इस किस्म की ब्लेसिंग मिलती है तो आप बताओ इंडिया में कितने क्रिश्चियन हैं जो अमीर लोगों की गिनती में आते हैं। अगर एक 24 लोगों की लिस्ट तैयार की जाए तो मेरे ख्याल से उसमें किसी क्रिश्चियन का नाम नहीं आएगा, किसी भी क्रिश्चियन का नाम नहीं आएगा। हम लोग जलंधर के रहने वाले हैं, यदि जलंधर की ही बात करेंगे तो वहां पर किसी क्रिश्चियन का नाम मेरे ख्याल से 500 नंबर पर भी नहीं आएगा। क्योंकि वहां पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जो यीशु मसीह को मानने वाले नहीं हैं। हमारे वहां पर सीतर वेद जी हैं जो नामी ग्रामी अमीर आदमी है, पंजाब केसरी वाले हैं, अजीत अखबार वाले हैं, बाबा स्केन वाले हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जलंधर में। तो उनके साथ यदि ये ब्लेस्ड लोगों की तुलना करें तो ये तो उनके पास खड़े होने के भी काबिल नहीं है। सो ये संसारिक चीजों से हम लोग ब्लेस्ड होने का दावा नहीं कर सकते, बल्कि हम आत्मिक चीजों से ब्लेस्ड होने का दावा कर सकते हैं। जैसे लोग मारे मारे फिर रहे हैं ना इन चीजों को हासिल करने के लिए, जब लोग हमको इसके उलट इन चीजों पर देखेंगे, वो हमारा जीवन इस तरीके से देखेंगे, जब वो लोग बेशक हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो आनंदित नहीं, जब वो हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी वो हमको आनंदित देखें, फिर वो कहेंगे कि यार ये लोग ब्लेस्ड हैं, सचमुच ये ब्लेस्ड हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति, सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, खुशी नाम की कोई चीज नहीं। इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इनके चेहरे खिले हुए रहते हैं, इनकी शक्लें खिली हुई रहती हैं, इनकी सूरतें एकदम आनंदित रहती हैं, और इनका रहना सहना जो है कुछ भी ना होते हुए फिर भी ये कैसे इतने आनंदित रह लेते हैं, तो वो है ब्लेस्ड। इसे कहते हैं ब्लेस्ड। एक भूखा आदमी दो दिन का खुदा की तारीफ कर रहा हो, कोई आकर पूछे हाँ जी कैसे हो जी, वो बोले ब्लेस्ड, ये है ब्लेस्ड। अगर वही दो दिन का भूखा हुआ कोई आए हाल चाल पूछने तो उसे कहे यार मेरे को रोटी तो खिला दे, तो वो ब्लेस्ड होगा जी, उसको आप कैसे ब्लेस्ड कहोगे। अब जो ब्लेस्ड है वो जगह जगह पर तो मांगते फिरते हैं, साइटें बनाई हुई हैं उन पर मांगते फिरते हैं, वेबसाइट पर चले जाओ वहां पर मांगते हुए, तो ये जो ब्लेस्ड है वो किसी को देगा या किसी से मांगेगा। तो जो मंगतों की तरह मांगते फिरते हैं ये ब्लेस्ड नहीं, ये तो मंगते हैं। तो इनको ब्लेस्ड होने का भी जो भेद पता नहीं है पूरी तरह से, कि जबूर गाते हैं ना कदे देखी है लचार ना टुकर मांग दी भी है। तो जो ब्लेस्ड है वो कभी लचार नजर नहीं आएंगे, जो ब्लेस्ड है वो कभी मांगते हुए नजर नहीं आएंगे, जो ब्लेस्ड है वो अपने वीडियो के नीचे पट्टी नहीं लगाएंगे कि दान भेजो, दशमांश भेजो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करें। उनको मांगने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता है जिसने सारी कुदरत को बनाया वो मेरा बाप है,
और वो मेरी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने की जरूरत रखता है। यदि वो 40 साल इसराइल को आकाश से रोटी दे सकता है तो वो मेरी देखभाल भी कर सकता है, वो है ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड कहना और ब्लेस्ड दिखाना ये दो बातें हैं, इसलिए बोला निकल आओ और अलग रहो। तो अलग करके दिखाओ ना, उनके पास सब कुछ है इसलिए वो लोग आनंदित हैं, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो फिर भी उस आनंद को उनसे ज्यादा दिखाओ, फिर पता चलेगा। अगले को पता चले कि जब मैं इसका हाल पूछने गया था ना, तो वो बड़े चाव के साथ मेरे साथ मिला था। बाद में उसको पता चले यार ये तो उस दिन जब मैं मिला था ये 2-4 दिन से भूखा था, और इसको पता भी था कि मैं अमीर आदमी हूं, ये मुझसे कुछ मांग सकता था, लेकिन इसने मुझसे कुछ मांगा भी नहीं, और इसके चेहरे से हाव भाव से ऐसा कुछ प्रतीत भी नहीं हुआ कि इसको किसी चीज की जरूरत है। जब उस आदमी को आपकी ये हालत का पता चलेगा ना, फिर वो आपकी गवाही लोगों में देगा, सचमुच ये वो लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। इसके हिस्से को फिर हम लोग कल सीखेंगे, और आज ध्यान रखें कि जैसे अभी इंडिया में रात चल रही है और रूटीन के मुताबिक आने वाली जो इंडिया की सुबह है 7:30 पर हम लोग आते हैं, लेकिन आज नहीं आएंगे। आज हम लोग जो रात का है विषय वो नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमने उस विषय को ले लिया है। तो अभी हम लोग जो मंडे आप लोगों सॉरी ट्यूसडे आप लोगों की इंडिया की जो सुबह होगी, और यहाँ हमारे मंडे की रात होगी। सो मंडे नाइट न्यूयॉर्क के टाइम पर हम लोग इकट्ठे होंगे फिर 10 बजे, और तब इंडिया में ट्यूसडे सुबह 7:30 होंगे। सो तब तक के लिए दुआ में बने रहिए, संसार के लिए, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, और उन लोगों के लिए जिन पर ये रोशनी नहीं प्रकट हुई, उन सभी के लिए खुदा से दुआ करें, और इस विषय को हम लोग और सीख सकें उसके लिए भी दुआ करते रहें। आइए हम सब के लिए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया और तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावन सचमुच जो तेरे ब्लेस्ड किए हुए हैं उनका जीवन बयान करता है, उन्हें मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ऐसी सारी जिंदगियां हो जाएं कि उनके बारे में लोग गवाही दें कि देखो वो ब्लेस्ड जा रहा है, और वो आत्मिक तौर पर जो ब्लेस्ड है वही तेरी ओर से ब्लेस्ड है। सो ये तेरे कलाम के भेद ही हैं जिन्हें के द्वारा हम पर ये सारी बातें जाहिर हुई हैं, और तू उन पर भी कृपा कर जो गलत फहमी में हैं, जो संसारिक चीजों में खुश होकर मगन होकर सोचते हैं कि शायद हम ब्लेस्ड हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन जोड़ो खुदावंद, और सचमुच वही मुबारक होंगे जिन्होंने वहां पर अपने लिए धन जोड़ा है खुदावंद, और जो वहां जोड़ते हैं उन्हें यहां पर त्याग करना पड़ता है, और जो त्याग करेगा वही जीवन पाएगा खुदावंद। सो एक एक जिंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं, दुनिया के हालातों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते खुदावन। इंसान है खुदावन, इसलिए हो सकता है बातों में खता भी कर जाएं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सजा दुनिया पर जो आई है काफी हो चुकी है खुदावन। बहुत लोग मर गए हैं, और उनमें ऐसे गरीब लोग मरे हैं खुदावन जिनके बच्चों के पालन पोषण के लिए भी, उनके पास खाने पीने के लिए भी, रहने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है खुदावन। इसलिए तेरे बच्चे होने के नाते ये तेरे आगे इल्तजा करते हैं, तू रहम कर, अपने क्रोध को शांत कर खुदावन, नाश करने वाले को हटा दे पिता, और इस बवा को तू बिल्कुल पूरी तरह से पूरी दुनिया से हटा खुदावन, ताकि तेरे लोग जो तेरे खुशखबरी को लिए फिरते हैं खुदावन, उन लोगों तक भी तेरी खुशखबरी पहुंच जाए जिन तक अभी तक तेरा नाम नहीं पहुंचा खुदावन। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा उन सब जिंदगियों को याद करते हुए नाम बनाम तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं, सबकी जरूरतों परेशानियों दुख तकलीफों से तू वाकिफ है खुदावंद, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं, इसलिए हरेक जिंदगी के लिए तेरे रहम को मांग लेते हैं, तेरी कृपा सब पर बनी रहे, हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया, खुदा आप सबको आशीष दे। तो मिलते हैं मंडे नाइट न्यूयॉर्क टाइम 10 बजे, और इंडिया ट्यूसडे मॉर्निंग 7:30। खुदा बरकत दे आपको।